हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल एडम ब्लॉगर भावना मनवाल। तो कैसे हैं आप सब? और आज है 23 मार्च, दिन है सोमवार का। और आज का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन मैंने अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। आज के दिन मैं अपने ठाकुर जी को अपने घर लिख के, अपने घर क्या उन्हीं का घर है, हमारा तो कुछ भी नहीं, उन्हीं का है जो कुछ भी है। तो बस आज उनका जन्मोत्सव है, तो हर साल हम लोग इस दिन कीर्तन वगैरह करते थे काफ़ी अच्छे से। बट लेकिन जिस तरह से कोरोना है, तो उस तरह से हमें भी सेफ रहना है, उनको भी कोई इस तरह से घर पे कोई उत्सव नहीं हो पाएगा कि हम बुलाएं। बट हाँ, लेकिन मैं अभी आज मैं मंदिर की, क्योंकि मैंने कल भी नहीं की थी, तो क्योंकि मैंने मंदिर की सफाई करूँगी आज, और फिर अच्छे से अपने ठाकुर जी को सजाऊंगी और बड़े राधा कृष्ण को भी सजाऊंगी। फिर दिन में देखते हैं हम घर घर के ही मिलकर थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लेंगे। वैसे भी घर में रहकर थोड़े बहुत अभी बीच में न्यूज़ में दिखा भी रहे थे कि भजन कीर्तन करने चाहिए, भजन कीर्तन कर रहे थे वो, तो हम भी घर में घर घर के ही मिलकर कर लेंगे। और देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ कुछ ठाकुर जी के लिए स्पेशल। तो खाने में केक सोच रही थी पहले मैं कि केक लाऊंगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल उत्तराखंड बंद ही हो गया है 31 तारीख तक, तो पता नहीं अब क्या खुला होगा क्या नहीं खुला होगा, अभी बाहर जाकर पता लगेगा। तो वैसे ही मुझे जाना है, क्योंकि यार अभी तो राशन का सामान लेना है और नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि का भी सामान लेंगे। तो अभी बज रहे हैं 8 और अभी मतलब मंदिर वगैरह सब हो गया है, क्योंकि आज मंदिर भी आजकल सुबह 6 बजे जाना हो रहा है, क्योंकि मंदिर वगैरह 7 बजे से जैसे कर्फ्यू बता रहे थे कल, तो कल भी 6 बजे चले गए थे और आज भी जैसे कि मतलब सुबह 6 बजे ही, क्योंकि 7 बजे से मतलब ऐसी भीड़ है नहीं मंदिर में और ऐसा कुछ नहीं है, तो आश्रम तो जाना ही होता है, तो सुबह 6 बजे ही। लेकिन अब चाय वाय पी के अब अच्छे से, अब पहले क्योंकि मैं घर पे आज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पहले मंदिर की पूजा करनी थी, तो पहले मुझे अपना निपटा लें, उसके बाद मैं आराम से पहले मंदिर साफ करूँगी, फिर तैयार करूँगी, फिर देखती हूँ। पर मैंने अपने जो ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, दोनों जो मेरे पास विग्रह हैं बड़े छोटे, सबका श्रृंगार कर दिया था। श्रृंगार की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, मुझे लगा कि उसमें काफ़ी टाइम जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बस जो तैयार करके और अपने मंदिर का न्यू लुक आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ठाकुर जी का ये अद्भुत रूप बहुत मनभावन लगा, अच्छा लग रहा है। मम्मा घर, पापा घर, सब घर है, तो अच्छा लग रहा था भाई। बुरे हाल है, मार्केट पूरा भीड़ तो है थोड़ी बहुत, बट लेकिन दुकानें बंद। तो हम लोग सुबह 11 बजे गए थे, 11 नहीं 11:30, 1:30 बज रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है। और यहाँ पर आज मेरा मंदिर सज चुका है बहुत उससे, और यहाँ मेरे ठाकुर जी वापस अपने पुराने उसमें आ गए हैं, तो बस ये सामान पूरा समेटना है, सब पूरा कमरा मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत बिखरा पड़ा है, सब समेटना है, फिर कीर्तन के लिए बढ़िया सा करना। तो बस यहाँ पर मैंने सारा कुछ समेट दिया है, और ये मैंने मतलब कीर्तन नहीं है, बस थोड़ा बहुत घर घर के ही है, तो यहाँ पर तैयार। हेलो, मेरी शक्ल कैसे हो रही है भाई साहब, थोड़ी सी कुछ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं कीर्तन करने के लिए, और बस घर घर के ही हैं सब, बड़ी भाभी हैं। मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों की भी हाजिरी कीर्तन में लगवाते हैं, तो आप सब आ जाइए कीर्तन में शामिल होइए। Oh,
सारा सजा है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी तो बस अब मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आज दिन में भी कुछ नहीं बनाया, बस सुबह ही जो बनाया था चोहे वगैरह। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा, कुछ बनाने की सोच रही थी दाल चावल और सब्जी शिमला मिर्च की, क्योंकि जैसे कि कल डॉक्टर भी कह रहे थे कि शिमला मिर्च खानी चाहिए इस समय। तो चलिए अब फटाफट खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से कुकर पे दाल चढ़ाई है, और इधर तेल गरम होने के बाद इसमें हिंजीरा डालने के बाद इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और मैं फटाफट से आलू शिमला मिर्च की सब्जी छौंक लूँगी यहाँ पर। तो बस आलू और शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया था, उधर चावल भी भिगा दिए हैं और आटा भी गूंद लिया है। तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से खाना बना लिया जाए, और खाना मैं बहुत जल्दी बनाने लग गई थी, लगभग 6 ही बज रहे थे उस समय, बट एक्चुअली सुबह से दिन हो गया था, और मैंने दिन में जब हम मार्केट से सामान वामान लाए तो 1:30-2 बज गए थे। उसके बाद फिर कीर्तन वगैरह में ही लग गए, तो बस मैंने खाना को दिन में मैगी बना के दी थी, तो इसलिए ये हो गया कि जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्जी छौंक लूँगी और खाना तैयार कर लूँगी, ताकि जल्दी से भूख भी लग रही थी और जल्दी से खाना भी निपट जाएगा। तो यहाँ पर मेरी मिर्च और हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पैकेट निकाल लिया नए वाले, और मसालेदानी में ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने फटाफट से इनको वापस नए पैकेट निकाल के इसमें डाल लिया है। बस यहाँ पर खाने की थाली मैंने लगा ली है, जिसमें मैंने चावल रोटी बना लिए हैं, और जैसे कि मैंने बड़े वाले ठाकुर जी इधर बैठा दिए हैं, अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई तो मैं गर्मियों में उन्हें इधर ही बैठाती, तो इसीलिए बस दो थालियाँ लगाई थी भूख की, तो ठाकुर जी ने खा लिया है, आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। बस अब टाइम हो रहा है 7 भी नहीं बजे, अभी 7 बजने में भी अभी 5-7 मिनट हैं, और हम लोगों ने खाना पीना अपना सब निपट गया है, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया दाल चावल रखा है, और दिन में नहीं बनाया था, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी ही बना लिया और जल्दी निपट गया खाना पीना। और अब मैं लाई हूँ जो नवरात्रि का सामान, मैं आज राशन लेके आई हूँ, राशन भी उधर अभी रखा है, और इधर माता की ड्रेस वगैरह तो मैं सब लगा दूँगी अभी रात में ही, क्योंकि कल है अमावस्या, तो कल देखती हूँ सुबह पूजा वूजा करके फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी, सारा तैयारी करके रखूँगी। और परसों से जैसा कि माता रानी आ रही है, और ये सब जो भी कोरोना वायरस का डर है, सब कुछ है, वो सब मिटने वाला है, तो माता रानी आएंगी और इस सब चीज़ों को लेके जाएंगी। तो और ये है बर्थडे गिफ्ट जो मैंने उस दिन आप लोगों को नहीं दिखाया था, अभी मैं दिखाती हूँ आपको पास से, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्यारा है, और ठाकुर जी कह रहे हैं उनको बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लग रहा है उसमें इस सिंहासन में। और वैसे ही मैंने सुनार के पास वो भी दे रखा था बनाने के लिए, जो झुंझुने होते हैं ना, तो मेरा था कि मैं 2-3 ले लूँ, तो सबके लिए, दोनों तीनों ठाकुर जी के लिए, दोनों तीनों बाबू के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, बट लेकिन जैसा कि कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद है, तो नहीं ले पाई। चलिए उनका गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, तो जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं लेके आऊँगी और चढ़ाऊँगी बर्थडे का गिफ्ट उनको, तब दूँगी। और बड़े वाले ठाकुर जी के लिए तो मैं स्पेशली ये लेके आई थी, और दोनों जो छोटे वाले हैं उनके लिए भी लेना है, उनके लिए भी लूँगी, ऐसी बात नहीं है। देखती हूँ, मैंने भैया से मंगाए थे, उनके पास एक्चुअली बड़े थे, तो मुझे छोटे छोटे लेने थे, तो देखती हूँ उनको मतलब कितने मिलते हैं या कितने पीस वो लेके आए होंगे,
तो चलिए गाइज, अभी तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो का ही एंड करूँगी क्योंकि वीडियो शायद लंबी भी हो गई होगी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो का ही एंड करती हूँ, कल मिलूँगी एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सब अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। चलिए बाय बाय।